गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2022। आइए देखते हैं कि कल क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स है अभी 108.40। तो जैसे कि ये प्रेजेंटेशंस आप रेगुलर बेसिस में वॉच कर रहे हो, यहाँ पे फिर मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल का कभी भी ये प्रयास नहीं है कोई ट्रेड कॉल आपके सामने पेश किया जाए। सो इट्स नॉट ए ट्रेड कॉल और या ट्रेड टिप्स देने का कोई एक प्रेजेंटेशन। इट्स एन लर्निंग वीडियो सीरीज जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस में अगर वीडियो को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट को कैसे परसीव किया जाए। और यहाँ पे हमारा ये प्रयास होता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। हाँ, कभी कभार हम जहाँ पर भी एक क्रिटिकल चेंज इन व्यू मिलेगा जहाँ पे लगता है कि यहाँ से तो आइदर आर या पार, तभी जाके एक कुछ इंटरप्रिटेशंस होगा जो रेगुलर या डेली बेसिस में नहीं होगा। वो कभी कभी होगा जहाँ पे एक ड्रास्टिक 360 डिग्री चेंज इन परसेप्शंस होगा मार्केट व्यूज। सपोज अभी है डॉलर रुपी 79.80 टाइप, तो मान लो कि ये हमेशा ये चार्ट नहीं बताएगा कि ये 75 आएगा या 85 जाएगा, लेकिन कभी कभार ये इंडिकेशंस करेगा कि ये 79.80 लेवल से ये आइदर 82 की तरफ मूव करेगा या 75 की तरफ मूव करेगा। जब भी उस टाइप का एक ड्रास्टिक शिफ्ट इन व्यू आएगा तभी जाके हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि एक व्यू देने का कि रुपी यहाँ से ये मूव हो सकता है। लेकिन इस टाइप का जो ड्रास्टिक इंडिकेशन है ये हमेशा रोज रोज नहीं मिलता है, ये कभी कभार मिलता है। एंड जब भी ये कभी कभार ये व्यूज आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे अबाउट द परसेप्शन ऑफ द मार्केट। एंड उसके अलावा जो रेगुलर बेसिस में हम देखेंगे कि मार्केट किस रेंज में व्यू कर रहा है। तो कल का जो इंटरप्रिटेशन था वहाँ पे हमने देखे थे कि ये जो आपका 23 अगस्त का रेंज है उसके हाई के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, दैट इज 109.50 से 110 की तरफ। एंड बिलो द लो ऑफ द रेंज एक सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। तो हम कल देखे हैं कि एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है एंड यानी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कैंडल्स बन रहा है। व्हाट इट मींस, थोड़ा सा पॉज लेने के बाद ये कौन सा साइड में मदर कैंडल के रेंज को ब्रेक करता है, आइदर ऑन द हाई साइड और ऑन द लो साइड, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट विल मूव यानी इंडेक्स विल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। डॉलर रुपी में अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो 19 अगस्त का मदर कैंडल है उसके अंदर में ही पिछले 3 दिन मूव कर रहा है एंड आज भी वहीं पे टेंडेंसी है। यानी डिस्पाइट द डिफरेंट करेंसी पेयर्स आर मेकिंग ह्यूज अप्स और डाउन्स, लेकिन रूपी में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज दिख नहीं रहा है। व्हाट इट मींस, सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन आर देयर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक साइड टू टेम द मार्केट, टू मींस मेक द वॉलेटिलिटी लेस वॉलेटाइल। और यहाँ पे अगर हम RSI टर्म्स में देखेंगे, RSI टर्म्स में एक रेंज शिफ्ट टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है ऑन ए डेली बेसिस, दैट बीइंग द केस कीपिंग RSI नॉट मूविंग अबोव 60, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि रुपी थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है। GBP डॉलर में अगर हम देखेंगे तो ये बेस लो लेवल पे थोड़ा बेस आउट करने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि 23 अगस्त को एक थोड़ा सा बाई बैक हुआ था एट द बॉटम ऑफ द लेवल्स, 24 अगस्त को थोड़ा सा एक पॉज, दोबारा एक पॉज कैंडल्स बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने कल एक डिस्कशन किया था ड्यूरिंग द एनालिसिस कि फर्स्ट आफ्टर ए शार्प फॉल फर्स्ट बाई आउट पे हम बाई नहीं करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे कि एक नेगेटिव कैंडल का, उसके बाद एक या दो या मल्टीपल नेगेटिव कैंडल का, उसके बाद उस नेगेटिव कैंडल को अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट करता है तो एक ऊपर की तरफ एक टेम्पोररी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस, आज अगर कल का हाई के ऊपर क्लोज दे देता है या टेरिटरी में ट्रेड करता है, दैट मींस 1.184050 के ऊपर अगर आवरली बेसिस में क्लोज दे देता है तो ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपस्विंग हम देख सकते हैं छोटा टाइम फ्रेम में। GBP INR में हम अगर देखेंगे यहाँ पर भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन से
22 अगस्त को एक शार्प फॉल आया था फ्रॉम आपका 97.30 लेवल से आपका 94.00 के तरफ। उसके बाद 23 अगस्त में एक बाइंग कैंडल्स देखा गया है, पहला आफ्टर शार्प फॉल, पहला बाई कैंडल पे हम बाई नहीं करेंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे। एक रेड कैंडल आया, एक या दो तीन रेड कैंडल आता है, उसके बाद उस रेड कैंडल का हाई या रेंज का हाई अगर तोड़ता है, देन थोड़ा सा बाई आउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस, आज अगर इस कल के रेड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करता है, इन सच ए सिनेरियो हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पुल बैक ऑन द हायर साइड हम देख सकते हैं। एंड इन सच ए केस हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है आपका 95.50 से 95.70 की तरफ। सो पहला कंडीशन क्या है, ये कल के हाई के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, आवरली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा, टच एंड गो करके फिर नीचे आ जाने से नहीं होगा। एंड ये आवरली बेसिस पे क्लोज देने के बाद देयर विल बी ए प्रोबेबिलिटी कि ये आने वाले एक दो तीन दिन में, ये फिर एक दो तीन या मे बी इन सम केसेस द टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इन सम केसेस टाइम इमीडिएट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। एंड उस केस में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है दैट इज 95.50 से 95.70 के बीच में। यूरो डॉलर में हम अगर देखेंगे यहाँ पर भी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, एक शार्प फॉल के बाद 23 अगस्त के एक बाइंग कैंडल बनाया हुआ था एंड उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। दैट मीन द केस इन सिमिलर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, आज यानी 24 तारीख का हाई के ऊपर आज अगर आवरली बेसिस पे क्लोज दे देता है, देन इन दैट केस लेट मी ड्रॉ ए सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यहाँ पे इसके हाई के ऊपर अगर दैट इज 1.00 1.0018, तो लेट इट बी 1.9999, सो वन, सो लेट लेट आवरली बेसिस में ये 1.0020 के ऊपर क्लोज दे देता है, इन सच ए केस हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है दैट इज 1.0140 से 1.0160 के तरफ हो सकता है। अगर हम यूरो आयनर में देखने का कोशिश करेंगे, यूरो आयनर में भी सिमिलर टाइप ऑफ एक शार्प फॉल, उसके बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे हम बाई नहीं करेंगे, सेकेंड उसके बाद एक पॉज आया है, ये नेगेटिव कैंडल्स, एग्जैक्टली हम नेगेटिव कैंडल्स बोलेंगे नहीं क्योंकि प्राइस गॉट रिजेक्शन एट द लोअर लेवल्स, तो उसमें बट कलर ऑफ द कैंडल इज रेड। इसमें क्या होगा, इसके हाई के ऊपर, कल के हाई के ऊपर यानी आपका ये लेवल के ऊपर अगर आवरली बेसिस में हम क्लोजिंग मिलता है दैट इज आपका 79.8185 के ऊपर अगर आवरली बेसिस में क्लोजिंग मिलता है, इन सच ए केस हमारा जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है 80.40 से 80.60 की तरफ हो सकता है। डॉलर येन में अगर हम देखेंगे, डॉलर येन में भी उसका ठीक उल्टा है, जैसे हम शार्प फॉल के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे बाई नहीं करेंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे एक रेड कैंडल का एंड रेड कैंडल का है के ऊपर हम बाइंग का देखेंगे, सिमिलरली शार्प अपराइज के बाद फर्स्ट रेड कैंडल पे हम सेल नहीं करेंगे, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करेंगे, इंतजार कर उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अगर ट्रेड होता है तो हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट बिंग द केस ये आने वाले दिनों में, आज या आने वाले दिनों में कल के लो के नीचे अगर ट्रेड करता है, इन सच ए सिनेरियो एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वो जो ये सेल ऑफ होगा ज्यादा डेप्थ नहीं है, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो हो सकता है वो 135-135.25 के आसपास हो सकता है, उसके लिए कल के लो के नीचे आवरली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए सेल ऑफ टुवर्ड्स 135.00 से 135.25 के आसपास। लेकिन अगर 23 अगस्त के हाई के ऊपर ट्रेड करता है, इन सच ए सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन दैट इज आपका हो सकता है 138.50 से 139.50 की तरफ। येन आयनर में अगर हम देखेंगे, येन आयनर में भी सिमिलरली इसी में हमने कल डिस्कस किया था, ये जो शार्प फॉल के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे बाई नहीं करने का यही हमने, तो कल का अगर आप येन आयनर का एनालिसिस देखोगे वहां पे फिर हमने एक एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। तो दैट बीइंग द केस सिमिलर टाइप ऑफ एनालिसिस है, यहाँ पे एक शार्प फॉल के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे हम बाई नहीं करना है, ये रेड कैंडल हुआ, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमें एक अपस्विंग टुवर्ड्स 0.59
जीरो जीरो की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस आवरली बेसिस पर 0.5860 के ऊपर 0.5900 एक छोटा टारगेट हो सकता है। डॉलर कैंडी में अगर हम देखेंगे, डॉलर कैंडी में आपका एक ये मीन्स ये जो रेंज रेजिस्टेंस है 130 के आसपास, 129.80 से 130.00 के आसपास, उसको यहाँ पे आपका 22 अगस्त को ऊपर में क्लोज दिया, लेकिन ये सस्टेन कर नहीं पाया, फॉलो थ्रू नहीं था, दैट मींस दैट अगेन रेंज के नीचे आ चुका है। व्हाट इट मींस यहां पे और एक हम देखेंगे कि 24th अगस्त का जो कैंडल है, इट बिकम्स ए इनसाइड बार कैंडल टू 23rd अगस्त ऑफ मदर कैंडल, दैट मींस दैट 23rd अगस्त के लो के नीचे अगर ट्रेड करना चालू हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 128.25 से 128.50 की तरफ एज द फर्स्ट टारगेट एंड 127.50 एज द सेकंड टारगेट। ऑसी डॉलर में अगर हम देखेंगे, ऑसी डॉलर में भी ये सिमिलर एक शार्प फॉल था, फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे बाय नहीं करना था, उसके बाद कल 24 अगस्त को एक रेड कैंडल बनाया था एंड आज ऑलरेडी ये ऊपर चला गया है। दैट मीन द केस वी कैन एक्सपेक्ट ए ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू मूव टुवर्ड्स 0.7050 की तरफ एंड इसके स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा कल के जो लो है उसके लो के नीचे इज द स्टॉप लॉस। सो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई अगर ट्रेड लेते हैं या पोजीशन इनिशिएट करते हैं, बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड योर स्टॉप लॉस शुड बी प्री डिटरमिन्ड। तो यहाँ पे कहाँ पे आपका एग्जिट है, यानी मार्केट में अगर आपके हिसाब से अगर प्राइस मूव नहीं करता है इन सच ए सिनेरियो, आप किधर से कौन सा गली से पतली गली से भागोगे आपका पोजिशन को काट करके उस पतली गली, यानी सपोज यू हैव एंटर्ड इन टू ए हाउस, मेन डोर से आपने हाउस में एंटर किया है, वहां पे पार्टी शार्टी का आप एक्सपेक्टेशंस किया है, लेकिन गलती से वहां पे अगर कुछ आग लग जाता है या कोई पैनिक वाला सिचुएशन हो जाता है, यू शुड नो द एग्जिट डोर्स। दैट इज वे आप देखोगे कि आपका एयरप्लेन एरोप्लेन में बोलो या मूवी थिएटर में बड़े बड़े मीन्स कलर से आपका एग्जिट डोर्स लिखा रहता है। सो दैट कुछ टाइप ऑफ एक्सीजेंसेस होता है, फायर ब्रोक आउट होता है या कुछ अनफॉर्चुनेट एक्टिविटीज होता है, तो आप किस रास्ते से भाग के निकल जाओगे, दैट इज व्हाट द स्टॉप लॉस इज। यहाँ पे अगर कोई बाई करेगा फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 0.7050 की तरफ, देन द एग्जिट कहाँ पे है, यानी स्टॉप लॉस कहाँ पे है, कल के कैंडल के लो के नीचे। सो यहाँ पे आज हमने दो स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है, एक शार्प फॉल के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे बाई नहीं करना है, वेट फॉर ए रेड कैंडल एंड उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं एंड उसका उल्टा फर्स्ट सेलिंग पे सेल नहीं करना है, वेट करना है ग्रीन कैंडल का, उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं कीपिंग द स्विंग हाई एज द स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे एक हो गया, एक स्ट्रेटेजी डिस्कस हो गया, दूसरा वाला हो गया कि स्टॉप लॉसेस। जब भी आप कोई ट्रेड में एंट्री करोगे बिफोर इनिशिएटिंग द पोजीशंस, योर एग्जिट शुड बी प्री डिटरमिन्ड, देन एंड ओनली देन आप लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं। बट अगर इमोशंस के साथ आप अगर ट्रेड को इनिशिएट कर जाते हो उसके बाद एंड स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं करते हो, दैट मे रुइन योर कैपिटल। CNH में देखेंगे, CNH में अच्छा खासा यहाँ पे आपका ये देखोगे कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे अभी जो हमने प्राइस डिस्कस किया है, स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है, वो 23 आवर्स के लो के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है, थर्ड आपका परसेप्शंस टू द टेक्निकल एनालिसिस, जो मेरा ये वीडियो का पर्पस है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया हुआ हूँ कि यहाँ पे आपको टिप या टिप देने के लिए ये वीडियो नहीं है, यहाँ पे एक लर्निंग लेसन्स के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस पिछले 3-4 दिनों से कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। दैट बीइंग द केस, क्या ये इसके कंसोलिडेशन के बाद नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, वी डोंट नो एंड ऑल्सो वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वी विल मेक सम व्यूज। क्या व्यूज है कि ये ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे या नीचे आएगा तो क्या करेंगे। तो एज पर द स्ट्रेटेजी एनालिसिस, तो इसके लो के नीचे ये नीचे की तरफ आने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है ये रेंज ब्रेकआउट के बाद कर रहा है, एक
टिपिकल रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट करने के बाद कर रहा है। दैट बीइंग द केस, ये पॉज के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है इन सच ए सिनेरियो, एक इसके ये जो स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अगर कंटिन्यू करता है, वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अपवर्ड मोमेंटम हियर। तो अभी हम देखते हैं यूके ऑयल, जहां पे हमारा आप एनालिसिस यूके ऑयल का देखोगे, यहां से जब बाइंग आउट हुआ था तो हमारा इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था वो 100.50 के आसपास था, दैट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड द सेकंड रेजिस्टेंस इज 107.50 से 108.00। तो अभी ये यहाँ पे हमें देखना था कि यहाँ पे रेस्पेक्ट करके वापस नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ जाता है। तो हमने कल देखा कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, यानी ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर भी एक आपका लर्निंग लेसन है, यहाँ पे आपको एक W दिखेगा। W मीन्स वन मोर एनालिसिस आई एम डिस्कसिंग हियर, यहाँ पे आप देखोगे W हो गया। देन W का ब्रेकआउट के बाद देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ये इसका W का जो सेकेंड लेग का जो डेप्थ है, यानी दिस वन विल बी ऑन द हायर साइड, विल बी आवर टारगेट। दैट मीन द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ब्रेंट क्रूड 109 के तरफ जाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उस 109 के तरफ जाने का प्रयास करेगा तो 107.50 से 108 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए बिगर रेजिस्टेंस लेवल। दैट मीन द केस यहाँ पे हम और एक W पैटर्न का एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है एज ए लर्निंग वीडियो। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि ये 109 की तरफ जा सकता है, एंड 109 की तरफ जाता है तो 107.50 से 108.00 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए मेजर रेजिस्टेंस लेवल। इसका फिर एग्जिट रूट कहाँ पे है? एग्जिट रूट है कल का जो कैंडल बनाया है, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल टू दिस नेक लाइन। तो दैट बीइंग द केस ये ब्रेकआउट के लो के नीचे आपका, यानी कल के लो के नीचे विल बी योर स्टॉप लॉस, यानी आपका वो जो एग्जिट रूट होगा ये होगा आपका यहाँ पे। तो कोई अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल पे ट्रेड करने का कोशिश करेगा, दे कैन गो लॉन्ग एज पर देयर रिस्क एंड रिवॉर्ड, उनका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है खुद देख लीजिएगा। डोंट ब्लाइंडली बाय और इनिशिएट न्यू पोजीशंस डिपेंडिंग ऑन दैट वन। तो मेक योर ओन रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे होगा? एग्जिट होगा कल के लो के नीचे, यानी आपका मीन्स 99.20 उस टाइप का एक स्टॉप लॉस हो सकता है, यानी आपका करीबन $2.5 का $2.5 का एक स्टॉप लॉस हो सकता है फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 109 का। दैट मीन्स आपका 2.5 to 2.5 to 2.5 to आपका 7.5, यानी करीबन 1:5 का एक one is to three का एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। US 10-year treasury में अगर हम देखेंगे ये continuously non-stop higher low बना रहा है, and जो हमारा immediate resistance level था that is 3.05 ये resistance को break कर चुका है। तो यहाँ पे आपको short करने का कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सेकंड ऑगस्ट ऑनवर्ड एक कंटिन्यूअसली आप हायर लो बना रहा है। दैट मीन दैट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डीप में बाय करने का कोशिश कर सकते हैं विथ ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 3.24 से 3.25 की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड उसके बाद 3.50 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने नॉट ओनली द मार्केट व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमने 2-3 स्ट्रेटेजी भी डिस्कस किया है जो आप अगर यूज करोगे तो आपको एक बढ़िया सा परसेप्शन मिल सकता है प्राइस एनालिसिस के लिए। तो करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।